आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पीईटी यूपीएसआई एएसआई आरओ एआरओ के लिए हिंदी ग्रामर का दूसरा भाग लेके आ रहे हैं और यहाँ पे हम जो पार्ट कवर करेंगे ये होगा संज्ञा। वीडियो के लास्ट में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मिलेगा जिससे आप जान पाएंगे कि आपका इस चैप्टर पे कितना कमांड है। चलिए शुरू करें वीडियो, उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ तो आप इस ऐप पे जाके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे और ढेर सारा स्टडी मटेरियल इसी तरह के एग्जामों के लिए। तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पर मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। देखिए, संज्ञा है जिसको कि अंग्रेजी में हम नाउन कहते हैं और संज्ञा का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ के नाम को आप संज्ञा कह सकते हैं। यानी कि यदि किसी वस्तु का नाम है, जैसे कि कुछ भी वस्तु या फिर कोई स्थान हो, देलही, इलाहाबाद, कोलकाता, कुछ भी, या फिर कोई भाव हो, इस तरह का जो भी नाम होगा उसको हम कहेंगे संज्ञा। अगर वस्तु की बात करें तो जैसे कि सोना, काला, ये सब अगर वस्तु की बात करें तो श्याम हो गया, स्थान की बात करें तो दिल्ली हो गया, आम भी वस्तु में आ जाएगा। और अगर भाव में देखेंगे तो ये होता है मिठास, खटास या फिर गोरापन, तो ये होता है भाव। यानी कि अगर आप एक लाइन में समझे तो किसी भी नाम को आप संज्ञा कह सकते हैं, चाहे वो वस्तु हो, स्थान हो या फिर कोई भाव हो। उसके बाद से संज्ञा में देखिए पूछा जाता है संज्ञा के भेद, लेकिन संज्ञा के भेद दो या फिर तीन तरह से पूछे जाते हैं। जब भी आपसे संज्ञा का भेद पूछा जाएगा तो वहाँ पे जरूर पूछा जाएगा कि किस आधार पे। जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा कि व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा केवल तीन प्रकार की होती है, जिसमें से पहला है रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। देखिए, ये वैसे अगर आप एग्जाम में देखें तो व्युत्पत्ति वाला उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर पूछा गया है इसलिए यहाँ पर कवर कर रहे हैं। आगे बढ़े तो देखिए, संज्ञा को पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं अर्थ के आधार पे, तो ये होते हैं पांच। मतलब कि संज्ञा के पांच प्रकार होते हैं, किसके आधार पे, तो अर्थ के आधार पे। पहला कौन है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि व्युत्पत्ति के आधार पे बताइए तो तीन, अर्थ के आधार पे बताइए तो पांच। यहाँ पे अब हम देखेंगे एक एक संज्ञा को। जैसे कि पहला था व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम प्रॉपर नाउन भी कहते हैं अगर इंग्लिश की बात करें तो। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब यह है कि वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान का बोध कराए, मतलब कि किसी खास पर्सन का, चाहे वह स्थान ही क्यों ना हो। जैसे कि हम कहें कि हम दिल्ली जा रहे हैं, या फिर किसी खास का, जैसे कुर्सी है, टेबल है, श्याम है, राम है, दिल्ली, मुंबई, तो मतलब किसी खास स्थान का या फिर व्यक्ति का या फिर किसी वस्तु का बोध कराए, उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, तो जातिवाचक संज्ञा में ये होता है कि हम एक शब्द कहते हैं और वो शब्द उसके पूरे जाति का बोध कराता है। जैसे कि लड़का, तो मतलब एक लड़का को हम कहें या फिर दुनिया के किसी भी लड़के को कहें उसको हम लड़का ही कहेंगे, तो लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर उसका नाम ले लें तो ये एक जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे हम कह दें शहर, तो शहर एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि जब आप शहर कहेंगे तो शहर का ये नहीं पता है कि कौन सा शहर, इलाहाबाद, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, कोई भी शहर होगी तो उसको हम शहर ही कहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर किसी शब्द से उसके पूरे जाति का बोध हो उसको हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। लेकिन जहाँ पर जैसे मुंबई की बात की जाए तो मुंबई एक शहर है लेकिन वो मुंबई है, अब दिल्ली को आप मुंबई नहीं कह सकते, तो यहाँ पे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे देखिए जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसा कि लड़की, नदी, कोई भी नदी होगी, चाहे वो दामोदर हो, नर्मदा हो, गंगा हो, यमुना हो, ब्रह्मपुत्रा, सबको हम नदी ही कहेंगे। तो यहाँ पे जिस शब्द से उसकी पूरी जाति का बोध हो उसको हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह उदाहरण के लिए पर्वत भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में, जिसको कि हम मटेरियल नाउन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ऐसे चीज़ों की बात की जाती है जो कि लिक्विड फॉर्म में हो या फिर जिनका स्टोर किया जा सके, मतलब कि जिनकी काउंटिंग ना हो,
कहने का मतलब कि जिनकी काउंटिंग ना हो, ये जैसे कि अगर हम दूध की बात कर लें या फिर सोना की बात कर लें, तो सोना की काउंटिंग नहीं हो सकती है। वो अलग बात है कि इसका वेट किया जा सकता है, लेकिन काउंटिंग मतलब कि गिनना कितना सोना है, एक दो, तो एक सोना को हम एक दो में गिनते नहीं हैं, सोना, चांदी या फिर तांबा। तो इस तरह का जो सभी है इसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे, जैसे कि गेहूँ, घी, सोना, मतलब जिनको हम नंबरों में ना काउंट कर सकें उनको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कह सकते हैं। अगला देखेंगे तो अगला है समूहवाचक संज्ञा, मतलब कि कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है कि जो मतलब ऐसा शब्द का प्रयोग होता है जो कि एक पूरे समूह का बोध कराता हो, जैसे कि क्लास, कक्षा। तो कक्षा क्या होता है, ये पूरे छात्रों का एक समूह होता है। अगर हम इसी तरह बात करें आयोग, तो आयोग में क्या है, तो आयोग जरूरी है कि जब आयोग दे दिया गया तो इसमें जरूरी है कि एक से अधिक लोग होंगे, तीन हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम आयोगों नहीं कह रहे हैं, केवल आयोग कह रहे हैं, लेकिन ये एक समूह का बोध करा रहा है। जैसे कह दिया गया सेना, तो सेना का मतलब क्या कि वहाँ पे कुछ सैनिक होंगे सेना में। पुलिस, पुलिस का मतलब कि पुलिस का जो उसमें सिपाही होते हैं उनका एक समूह। पुस्तकालय जो कि पुस्तकों का एक समूह। दल मतलब विभिन्न तरह के लोग। समिति मतलब कई लोगों की जो मीटिंग होती है वो समिति के द्वारा होती है। या फिर परिवार, तो एक परिवार में कई लोग होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर ऐसा कोई भी शब्द जिससे कि एक पूरे उसके झुंड का पता चले, इसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं पांचवा के तरफ, जो कि यहाँ से आप देखेंगे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई तरह से। तो ये होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा ये होता है कि जैसे कि उसमें आपको भाव देखने को मिलेगा, जैसे कि किसी का गुण, दोष, दशा, क्रोध, मिठास, हर्ष। तो इस तरह का ये मतलब कि वहाँ भाव देखने को मिलता है। जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे किसी अगर मिठाई की बात करें तो इसका मिठास है, कोई व्यक्ति बुढ़ापा की तरफ जा रहा है वो क्रोध कर रहा है। कहने का मतलब कि जो ये चीज़ है वो दिखेगी नहीं आपको, लेकिन उसका भाव केवल आपको महसूस करना होता है, जैसे कि बुढ़ापा, मिठास, क्रोध, हर्ष मतलब कि खुशी, यौवन, बालपन और मोटापा। तो ये होता है भाववाचक संज्ञा। परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया गया है कि इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है, और कई ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गई संज्ञा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये भी आप देख लीजिए। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको संज्ञा से भाववाचक बनाइए, मतलब कि एक नॉर्मल दिया गया है उसको कहेगा कि भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट करिए। वो किसी भी में हो सकती है, जैसे वो व्यक्तिवाचक हो सकती है, जातिवाचक हो सकती है, लेकिन आपको बदलना होगा उसको भाववाचक में। जैसे कि दे दिया पुरुष, तो पुरुष आप देखेंगे कि पुरुष क्या है, अगर आपसे हम पूछें कि पुरुष क्या है और आपको दो ऑप्शन दे दें, व्यक्तिवाचक या फिर जातिवाचक, तो पुरुष है जातिवाचक, क्योंकि हम हर एक व्यक्ति को पुरुष कह सकते हैं। तो अब देखिए इसको भाववाचक में बदलना है, तो पुरुष का हो जाता है पुरुषत्व, नारी का हो जाता है नारीत्व। इसी तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। मित्र का, तो मित्र का भाववाचक होता है मित्रता। पशु का भाववाचक होता है पशुत्व। इसी तरह कोई सर्वनाम से भी पूछे जाते हैं, जैसे कि अभी हम आपको अगले वीडियो में सर्वनाम के बारे में बताएंगे, तो वहां से भी आपको भाववाचक संज्ञा में बदलने को कहा जाता है। जैसे निज का निजत्व, सर्व का सर्वस्व, पराया का परायापन और मम का ममत्व। इसी तरह आगे कुछ और भी हम कवर कर रहे हैं जिनको कि विशेषण से भाववाचक में बदलने को कहा जाता है, या फिर क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि बताइए वीरता किस विशेषण से बना है, वीरता किस विशेषण से बना है, वीर सैनिक, लेकिन इसका सही उत्तर होगा वीर। तो इसी तरह आपको जानना होगा कि किसका भाववाचक संज्ञा क्या होता है। सुंदर का सुंदरता, वीर का वीरता, मीठा का मिठास, मधुर का मधुरता। देखिए इस वीडियो के लास्ट में हम आपसे एक्सरसाइज कराने वाले हैं, इसलिए जरूरी है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अब देखेंगे कुछ अवयव को भाववाचक संज्ञा में बदलने के लिए। तो अवयव ये होते हैं निकट, तो निकट को हम बदल देते हैं निकटता में, थकान को बदल देते हैं थकावट में, हंसी को हंसना में, लेख को लेखना में। तो इस तरह आप देखेंगे कि यही क्वेश्चन आपसे जो संज्ञा है उसमें पूछे जाते हैं। तो अब देखेंगे संज्ञा के परिचय के बारे में कि संज्ञा के बारे में क्या होता है। तो देखिए संज्ञा का, अगर कहीं पर भी आप संज्ञा का परिचय दे रहे हैं तो जरूरी है कि आप सभी को अलग अलग लिखें अच्छे तरीके से, क्योंकि ये हिंदी है और यहाँ पे थोड़ा
थोड़ी सी आपका जो लिखने का तरीका है पूरा अर्थ बदल देता है। जैसे कि एक जगह है उद्धरण, एक जगह है ठीक, और यहाँ पे अगर कहा जा रहा है कि उद्धरण जाओ, उद्धरण जाओ, या फिर अगर आपको ये कहा कह दिया जाए उधर न जाओ, उधर न जाओ, तो आप देखेंगे कि वर्ड तो सारे सेम हैं लेकिन अर्थ बिल्कुल बदल जा रहा है। तो इस तरह आपको संज्ञा में सभी को अलग अलग करके लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पे वाक्य दिया गया है राम ने रावण को बाण से मारा, तो राम ने रावण को बाण मारा इस तरह भी आप कह सकते थे, लेकिन जरूरी होता है कि आप इसे अलग अलग लिखें। अब इस तरह क्वेश्चन दे दिया जाएगा परीक्षा में कि राम ने रावण को बाण से मारा, यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि रावण में कौन सा कारक है, रावण में कौन सा कारक है। तो देखिए होता क्या है कि जो व्यक्ति काम करता है, जैसे कि राम ने यहाँ पे मारा है तो राम हो जाता है कर्ता, जिस व्यक्ति पर काम हो रहा है उसे हम कहते हैं कर्म कारक। तो यहाँ पे अगर हम राम को बात करें तो राम संज्ञा है क्योंकि किसी का नाम है, राम एक व्यक्ति है इसलिए व्यक्तिवाचक हो गया, और राम एक पुल्लिंग है क्योंकि यह पुरुष है, और राम एक वचन है मतलब कि एक है, और राम ने काम किया यानी कि यह कर्ता कारक है। उसी तरह अगर रावण के बारे में बात करें तो रावण एक संज्ञा है क्योंकि यह भी किसी का नाम है, यह एक व्यक्ति है यानी कि व्यक्तिवाचक हो गया, यह भी पुल्लिंग है तो पुल्लिंग हो गया, यह भी एक है तो यह भी एक वचन हो गया, और चूंकि इस पे काम हो रहा है इसीलिए यह कर्म कारक हो गया। अगर बात करें बाण की जिसके द्वारा मारा गया है तो बाण भी नाम ही है तो यह भी संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक होगा, एक ही है तो पुल्लिंग मतलब पुरुष है तो पुल्लिंग होगा, एक है तो एक वचन होगा और करण कारक होगा। तो अभी हम जब आपको कारक बताएंगे तो वहाँ पे हम आपको बता देंगे कारक कितने होते हैं। यहाँ पर बस आप जानिए कि जिसके द्वारा काम होता है उसको हम करण कारक कहते हैं, मतलब कि इसको हम साधन के रूप में यूज करते हैं। तो ये रहा संज्ञा का चैप्टर जो कि बहुत आसान है और आप लोगों ने इसमें से सब कुछ पढ़ा होगा। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि आपको कितना आता है। शुरू करते हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ चुका है और आप अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताते रहिए। अगर आप इस वीडियो को ऑफलाइन भी देख रहे हैं तो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन करिए, इसमें से संज्ञा कौन है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो संज्ञा मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का नाम, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो या फिर भाव हो। तो यहाँ पे देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा भूगोल, भूगोल जो कि एक सब्जेक्ट का नाम है। अगला है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, हमने आपको बताया था व्युत्पत्ति और अर्थ, तो व्युत्पत्ति के आधार पर 3 तरह की और अर्थ के आधार पर कितना होती है 5 तरह की। अगला है कि इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, इनमें से बताइए कि कौन जातिवाचक है जो कि पूरे जाति का बोध करा रहा है। तो मोहन किसी खास व्यक्ति का नाम है, लेकिन नदी सही उत्तर होगा क्योंकि चाहे वो कोई भी नदी हो, गंगा यमुना किसी भी नदी को हम नदी ही कहेंगे, यानी कि नदी एक जातिवाचक संज्ञा है। अगर आप देखेंगे मोहन को तो मोहन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मोहन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कसना, कसना की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, इसका भाववाचक संज्ञा आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं तो सही उत्तर होता है कसावट, क्या होता है कसावट। देखिए कई बार क्या होता है कि इसका कोई रूल नहीं होता है कि मतलब इसको भाववाचक बनाना है तो आपको वट जोड़ देना है या फिर हट जोड़ देना है, आपको परीक्षा में ये देखना होता है कि जो भी हम भाववाचक संज्ञा आ रही है उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी जोड़ करके और बिना अर्थ का बना दिए तो ये गलत होगा। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या फिर वस्तु के नाम का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब किसी भी या व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, जैसे कि अगर राम हो गया तब भी यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मुंबई हो गई तब भी यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, आम हो गया तब भी यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मतलब कि विशेष व्यक्ति, स्थान या फिर वस्तु का नाम हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो सुंदरता में कौन सी संज्ञा है ये आप कमेंट करके बताइए। तो सुंदरता में होता है भाववाचक संज्ञा, किसी के भाव को बताया जा रहा है तो ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है, तो इसमें से है क्रोध, क्रोध है भाववाचक संज्ञा और ये एक तरह का संज्ञा है, इसको छोड़कर के कोई भी संज्ञा नहीं है, बाकी सब विशेषण बताए गए हैं। अगला है कि खेतों में चारों ओर हरियाली नजर आ रही है, इस वाक्य में हरियाली शब्द में संज्ञा का कौन सा भेद है,
तो हरियाली शब्द में आप देखेंगे कि भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक तो होगा नहीं, तो यहाँ पे जो हरियाली है वो भाववाचक संज्ञा होगी। अगला क्वेश्चन, और इसे आप कमेंट करके बताइए कि भीड़ में कौन सी संज्ञा है। तो भीड़ भीड़ में अगर आप देखा जाए तो भीड़ में एक समूहवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि अगर भीड़ की बात आती है तो एक व्यक्ति को या फिर दो व्यक्ति को आप भीड़ नहीं कह सकते, जहां लोगों का एक समूह होगा उसे ही आप भीड़ कहेंगे, तो भीड़ हो गया समूहवाचक संज्ञा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अब आपके लिए क्वेश्चन है, और इसका उत्तर हमें कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।